तो हेलो भाइयों, मैं हूं अभिषेक और आप लोग देख रहे हो मास्टर जेर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे करेक्टर के स्किल कॉम्बिनेशन के बारे में जो हमारी फ्री फायर कम्युनिटी का सबसे ज्यादा हैंडसम करेक्टर है, यानी कि मैक्सिम। और ये करेक्टर जितना ज्यादा हैंडसम है उतना ही मेरे लिए लकी भी है, क्योंकि इस करेक्टर पर मैंने जितने भी वीडियोज अपने यूट्यूब चैनल पर बनाए हैं सब में मिलियंस में व्यूज आए हैं और लाखों में लाइक्स आए हैं। और आज भी जो मैक्सिम करेक्टर के तीन बेस्ट स्किल कॉम्बिनेशंस मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, उन पे मैंने लगभग 4 महीने का लंबा रिसर्च करा है और तब जाके उनको बनाया है। इसलिए अगर आप लोग आज इस वीडियो को पूरा आखिर तक देख लेते हो तो पक्का आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप लोगों को मैक्सिम करेक्टर के स्किल कॉम्बिनेशन के ऊपर यूट्यूब पे कोई और वीडियो देखने का जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आप सभी को मैक्सिम करेक्टर के तीन स्किल कॉम्बिनेशन बताऊंगा। नंबर 1 पे होगा रशर कॉम्बिनेशन, नंबर 2 पे होगा डोमिनेटर कॉम्बिनेशन और नंबर 3 पे होगा डिफेंसिव कॉम्बिनेशन। लेकिन इन कॉम्बिनेशंस को जानने से पहले हम जानेंगे थोड़ा सा मैक्सिम करेक्टर की करेक्टर स्किल के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो, जिससे ऐसी वीडियोस आप रोजाना देख पाओ। तो आई होप भाइयों आप लोगों ने कर दिया होगा। तो टॉपिक पे वापस आते हुए मैक्सिम करेक्टर की स्किल कुछ ऐसे वर्क करती है, अगर आप कोई क्लोज रेंज फाइट कर रहे हो और आपको बहुत ही ज्यादा डैमेज पड़ जाए और आपका एनिमी आपको खत्म करने वाला हो, पर आपके पास अगर मेडिकेट्स हो तो ये आपकी मेडिकेट्स लगाने की स्पीड को इतना ज्यादा बूस्ट देगा कि आप सेकंड्स में अपनी सारी मेडिकेट्स लगा लो। फॉर एग्जाम्पल के लिए इस वीडियो क्लिप में आप लोग देख सकते हो इस बंदे ने मेरे को कितना ज्यादा डैमेज दे दिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक ग्लू बॉल लगाई और मैंने मेडिकेट्स लगाना स्टार्ट करी, कितनी स्पीड से मेरी मेडिकेट्स लग रही। और अब ये बंदा मेरे ऊपर रश कर दिया, लेकिन मेरी हेल्थ फुल थी इसलिए मैंने इसको आसानी से खत्म कर दिया। तो ऐसे कुछ वर्क करता है हमारा मैक्सिम करेक्टर, बिल्कुल भी समय जाया न करते हैं। हम बात करते हैं हमारी लिस्ट का 3rd नंबर वाले स्किल कॉम्बिनेशन के बारे में, जो है रशर स्किल कॉम्बिनेशन। इसके लिए आपको अपने फर्स्ट करेक्टर स्किल स्लॉट पे रखना पड़ेगा हयाटो, जिससे आप अपने एनिमी की वेस्ट और हेलमेट चुटकियों में फाड़ दोगे और उसको आसानी से खत्म कर सकते हो। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हो बंदा मेरे ऊपर रश करता है तात्सुया लगा के और ये मेरी वेस्ट और हेलमेट को फाड़ने का पूरा कोशिश करता है, लेकिन मैं इसकी वेस्ट और हेलमेट कितनी आसानी से खत्म कर देता हूँ। और ये इतनी तेज भागता है, लेकिन मैं यहाँ पे जंप करता हूँ और ये यहाँ पे मेरे को नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर मेरे को पता लगा इस कमरे के अंदर है ये और मैं इसको आसानी से खत्म कर देता हूँ। तो ये फायदा रहता है हयाटो करेक्टर का। इसके बाद सेकंड स्किल स्लॉट पे आपको रखना है लूना करेक्टर को, जो आपकी मूवमेंट स्पीड को तो बूस्ट देगी, साथ ही साथ आपकी गन का रेट ऑफ फायर भी बढ़ाएगी, जिससे हेडशॉट्स अच्छे लगेंगे। जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हो, यहाँ पे मेरा एक टीममेट नॉक हो जाता है और यहाँ पे एक एनिमी होता है, उसको मैं कितनी आसानी से हेडशॉट्स मार देता हूँ, क्या ही रेट ऑफ फायर हो जाता है, साथ ही साथ मूवमेंट स्पीड को भी तगड़ा बूस्ट मिलता है, जिससे मेरी मूवमेंट स्पीड भी कितनी बढ़ जाती है देख ही सकते हो। इसके बाद 3rd स्किल स्लॉट में आपको लेना है होमर, जो रश में एक बेस्ट करेक्टर है। और वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग ये वीडियो क्लिप देखो, यहाँ पे 4 बंदे सामने होते हैं और मैं अपना होमर जैसे ही छोड़ता हूँ इनमें से एक बंदे को जाके लगता है और मैं 3 बंदों के सामने उस बंदे को पूरा खत्म करता हूँ। ये है पावर होमर की। इसके बाद आप बात करते हैं हम हमारे 2nd स्किल कॉम्बिनेशन के बारे में, जो है डोमिनेटर स्किल कॉम्बिनेशन, जो आपके हर एक मैच को डोमिनेट कर सकता है। और हाँ, अपने गेम प्ले को भी अगर पूरी तरीके से डोमिनेट करना चाहते हो तो सैमसंग गैलेक्सी S24 Ultra को अपने गेम प्ले में यूज करना स्टार्ट कर दो, जिसको मैं इस पूरे वीडियो में यूज कर रहा हूँ और मेरा गेम प्ले क्या ही स्मूथ हो रहा है। और साथ ही साथ इसका प्रोसेसर भी इतना ज्यादा तगड़ा है कि मेरा फोन अभी तक हीट नहीं हुआ और लैग का तो कोई इश्यू ही नहीं है। तो चलो टॉपिक पे दोबारा वापस आते हुए, आपको डोमिनेटर स्किल कॉम्बिनेशन में अपने फर्स्ट करेक्टर स्किल स्लॉट पे लेना है DB, जो रश करने पे आपकी मूवमेंट तो बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ फायर करोगे तो आपकी गन की एक्यूरेसी भी बढ़ाएगा, जिससे हेडशॉट्स अच्छे लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए इस वीडियो क्लिप में देखो, 2 बंदे थे सामने जिनको मैंने थोड़ा थोड़ा डैमेज दिया, लेकिन डीबी की एक्यूरेसी काम आई, यहाँ पे मैंने आसानी से हेडशॉट भी मार दिया और मेरी मूवमेंट स्पीड क्या ही तेज हो गई, जिसके बाद मैंने दूसरे बंदे को भी पूरा खत्म कर दिया। इसके बाद 2nd स्किल स्लॉट पे आपको लेना है मिगुल करेक्टर, जो आपको हर एक बंदा नॉक करने पे थोड़ा थोड़ा ईपी देता रहेगा, जो ओरियन करेक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मेरी एक बंदा
बंदे से फाइट होती है और वो पता नहीं कहाँ जाके छुप जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे रश करता हूँ सीधा सीधा और ये बंदा मेरे को जैसे यहाँ पे दिखता है मैं इसको नॉक कर देता हूँ और मेरी ईपी देखो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है और मैं यहाँ पे ओरियन भी बन जाता हूँ, तो ये यहाँ पे बहुत काम आता है। इसके बाद आपको थर्ड स्किल स्लॉट में रखना है एक डोमिनेटर कैरेक्टर जो है ओरियन, जो जल्द से जल्द आपके एनिमी के एचपी को खत्म करेगा और रश करने में बहुत ही ज्यादा काम आएगा। जैसे कि आप लोग इस वीडियो क्लिप में देख सकते हो ये बंदा कैसे मेरे ऊपर रश करता है, मैं हल्के हाथ से ओरियन बनता हूँ और इसको कितनी आसानी से खत्म कर देता हूँ। उसके बाद मेरा ओरियन फिर से चार्ज होता है, मैं फिर से ओरियन बन जाता हूँ यहाँ पे आके और इस बंदे को भी कितनी ज्यादा आसानी से खत्म कर देता हूँ। ये है पावर ओरियन का। लेकिन अब फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी लिस्ट के फर्स्ट नंबर के स्किल कॉम्बिनेशन के बारे में, जो है डिफेंसिव स्किल कॉम्बिनेशन, जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट स्किल कॉम्बिनेशन है। लेकिन उसको जानने से पहले आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल आज ही ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे से मैं आप लोगों को फ्रेंड लिस्ट में लेता हूं, बहुत ही ज्यादा गिव अवेज करता हूं। डिस्क्रिप्शन में आप सभी को व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा जिसपे 21,000 के करीब मेंबर्स हैं और आप ही की तरह मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो ज्वाइन जरूर से करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा। तो टॉपिक पे वापस आते हुए, डिफेंसिव स्किल कॉम्बिनेशन में आपको अपने फर्स्ट करेक्टर स्किल स्लॉट पे लेना है सोनिया करेक्टर, जो आपको मारने के बाद भी अमर कर देगी क्योंकि 2 सेकंड एक्स्ट्रा देगी आपको अपने एनिमी को खत्म करने के लिए। जैसे कि आप लोग इस वीडियो क्लिप में देख सकते हो ये बंदा ऑलमोस्ट मेरे को खत्म कर देता है, लेकिन मैं सोनिया का इस्तेमाल करके इसको कितना आसानी से खत्म कर देता हूँ। और इसके बाद आपको अपने सेकंड कैरेक्टर स्किल स्लॉट पे लेना है नायरी कैरेक्टर, और इसकी स्किल का क्या ही कहना है, ये कैरेक्टर आपकी ग्लू बॉल को अंबुजा सीमेंट जैसी मजबूती देगा। मतलब आप इस कैरेक्टर को अगर यूज करते हो आपकी ग्लू बॉल को कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। जैसा कि इस वीडियो क्लिप में देखो मेरा टीममेट नॉग था, मैंने नायरी की ग्लू बॉल लगाई और उसको कितना आसानी से रिवाइव कर दिया, और यहाँ पे एक बंदा मेरे ऊपर रश करो उसको भी मैंने खत्म कर दिया। और फाइनली आपको लास्ट स्लॉट पे लेना है डिमिट्री कैरेक्टर, जो आपको बिल्कुल अमर बना देगा, जितने बार नॉक हो जाओ डिमिट्री लगाते रहो और रिवाइव होते जाओ। जैसे कि आप लोग इस वीडियो क्लिप में देख सकते हो यहाँ पे मैं रश कर रहा था एक एनिमी के ऊपर, लेकिन ऑलमोस्ट वो मेरे को खत्म कर देता पर मैं यहाँ पे डिमिट्री लगाता हूँ और मेरी टीममेट ग्लू बॉल लगा देती है, जिससे मैं डिमिट्री से आसानी से रिवाइव हो जाता हूँ और बच जाता हूँ। तो गाइस फाइनली यही थी हमारी वीडियो, आपको तीनों स्किल कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया, आपको जो पसंद आया आप वाला स्किल कॉम्बिनेशन अपने गेम प्ले में यूज कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। और तब तक हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बताओ नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से कैरेक्टर के स्किल कॉम्बिनेशन के ऊपर चाहिए, मैं जल्द लाऊंगा।